ये भी बेटा, किसी को प्रॉब्लम है कोई? मनीषा है बेटा, आदर्श अनादर्श का कोई ग्राफ वगैरह या कोई उदाहरण या शर्तें? एग्जाम में हमेशा संख लिखा ना चारों, चाहे धनात्मक संख के लिए पूछे, चाहे ऋणात्मक के लिए पूछे, चाहे आदर्श के लिए पूछे, इसी तरीके से करना। 1 2 3 4 नंबर लगाइए, उसी तरीके से शर्तें लिखना। फिर राहुल के नियम का पालन करेगा, डेल्टा एक्स जीरो होगा, डेल्टा बी जीरो होगा, ए बी के अंदर के एक्स के बराबर होगा आदर्श। जो इन शर्तों का पालन नहीं करेगा वो अनादर्श है। धनात्मक में हर चीज बढ़ा देना, ऋणात्मक में हर चीज कम कर देना, ठीक है? ये चीज ध्यान रखिए, कम कर देना का मतलब ये नहीं है ए बी की अंतःक्रिया भी कम कर दो। ए बी की अंतःक्रिया तो ऋणात्मक में ज्यादा होगी, जब भी तो फिर वो आयतन घटेगा। समझ गए? अब अपन पढ़ेंगे आज आदर्श अनादर्श का। एक बार अपनी बुक के अंदर देख लो, ध्यान दो भाई सभी, पेज नंबर आ जाओ 32 पे, ऋणात्मक विचलन दिख रहा है, बुक खुली है सबके पास। पेज नंबर 32 पे देखो, ऋणात्मक विचलन के उदाहरण वगैरह दिए हुए हैं। मैंने कल बताया था तुम्हें, क्लोरोफॉर्म धनायन ऋणायन होगा, उसमें भी एसीटोन, इसमें भी धनायन ऋणायन। तो जब ध्रुवीय ध्रुवीयमान बनेगा, ध्रुवीय ध्रुवीयमान प्रबल होगा, धनायन और ऋणायन के मध्य बंध प्रबल बनता है। कोई भी उदाहरण देख लो, जल HCl को देख लो, एसीटोन एनिलीन को देख लो, एनिलीन अपना ऊर्जा से जल बंध के लिए दे देगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है? किसी भी उदाहरण में देख लो, मैथनॉल एसिटिक अम्ल में देख लो, सभी एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनमें ए और बी मतलब इन दोनों को मिलाने पर बंध प्रबल बने, ठीक है? आज आपको पढ़ाएंगे स्थिरवान्ति मिश्रण। सबसे पहले स्थिरवान्ति मिश्रण होता क्या है देखो, परिभाषा बिल्कुल छोटी सी स्पष्ट है। देखो क्या है, दो या दो से अधिक, मिश्रण का मतलब तो जानते ही है क्या होता है। स्थिरवान्ति, क्वांति मतलब होता है क्वंथनांक, क्वंथनांक का मतलब क्या होता है, वह बिंदु जिसके ऊपर कोई भी पदार्थ क्या होने लग जाता है बेटा, उबलने लग जाता है। समझ में आ गया? उस बिंदु को क्वंथनांक बोलते हैं। गलनांक वह बिंदु होता है जिसके ऊपर कोई पदार्थ गलने लग जाता है। गलने भी उबलने भी फर्क समझते हो ना, जैसे बर्फ व्यक्ति गल जाएगी ना, वो तो उसका गलनांक बिंदु है, और वो बर्फ का पानी जब उबलने लग जाएगा तो उसका क्वंथनांक बिंदु, ठीक है? तो स्थिरवान्ति क्या कह रहा है, ध्यान देंगे, स्थिरवान्ति मिश्रण दो या दो से अधिक अवयवों का ऐसा मिश्रण जो एक ही ताप बिना परिवर्तन हुए उबलता है। मतलब दो पदार्थ हमने मिला दिए, वो दोनों पदार्थ एक ही ताप के ऊपर उबले, समझ में आ रही है? बिना उनका संगठन परिवर्तित हुए, मतलब उनके संगठन में, उनकी कंपोजिशन में, जो जो मात्रा पदार्थों में उपस्थित है उनके अंदर कोई परिवर्तन। समझ में आ गई ना बात? स्थिर क्वांति नाम से पता चल रहा है, क्वांति मतलब ताप, उनका स्थिर रहे, स्थिर ताप के ऊपर दो पदार्थ दो या दो से अधिक अवयवों का मिश्रण जब उबलता है तो उसको अपन बोलते हैं स्थिर क्वांति मिश्रण। बेटा ये स्थिर क्वांति मिश्रण एक प्रकार का आदर्श विलयन जैसा है, बिल्कुल समझ में आ रही, क्योंकि आदर्श विलयन का मिश्रण ही होता है। तो जैसे एन मिलाते दोनों की दोनों एक ही ताप पे होंगे, क्योंकि दोनों की प्रकृति समान है, दोनों ही एल्केन है। समझ में आ रही है बात? स्थिरवान्ति मिश्रण कौन दर्शाएगा, स्थिरवान्ति मिश्रण की प्रकृति आदर्श विलयन दर्शाएगा। आ रही बात समझ में? परिभाषा पढ़ो पेज नंबर 32 में, क्या बात समझ में आ रही है, क्या देखे? नहीं समझ में आ रही तुरंत पूछ ले, पूरा बुक से पढ़ो, बहुत सरल भाषा है। देखो, दो या दो से अधिक दिख रहा है अवयवों का ऐसा मिश्रण जो अवयवों के संगठन के परिवर्तित हुए बिना, बताया था मैंने, संगठन संगठन उनका कंपोजिशन उनकी नहीं बदले, तो दो या दो से अधिक अवयवों का ऐसा मिश्रण जिनके संगठन में बिना परिवर्तित परिवर्तन हुए वो क्या करते हैं, एक ही ताप के ऊपर क्या हो जाते हैं बेटा, वाष्पीकरण, मतलब उबल जाते हैं, ठीक है? संगठन नहीं बदलेगा, जैसे अभी बताया था मैंने उदाहरण की हेक्सेन और हेप्टेन, इन दोनों को मैंने मिला दिया तो संगठन का मतलब इसके 6 कार्बन है, इसके 7 है, तो ये नहीं उबालने पर इनके 6 कार्बन में से एक दो कार्बन खा जाए, ऐसा कुछ नहीं, 6 के 6 रहेंगे, इसमें 7 ही रहेंगे। तो बिना संगठन परिवर्तन, ये नहीं भाई इसका एक कार्बन चला जाए, दोनों के 6 6 हो जाए, मैडम ये एक ताप बदल जाए, कार्बन नहीं, बिना संगठन परिवर्तन हुए एक ही ताप ऊपर दोनों बदले,
उसी को हम बोलते हैं स्थिर बांध के मिश्रण। अगर इन दोनों को मिलाए दोनों समान दाब के गुण मिलेंगे ना, इसका मतलब ये है कि स्थिर बांध के मिश्रण। समझ में आ गया स्थिर बांध के मिश्रण? दोबारा सुन ले, आदर्श विद्युत का ही बनता ठीक है। अब इसके अंदर देखो दो बातें दी हुई है, निम्नतम क्वथनांक की मिश्रण और अधिकतम क्वथनांक की। तो अब मैं तुम्हें मतलब तुम अपना दिमाग लगा के बताओगे, स्थिर बांध के मिश्रण जैसे अपन ने पढ़ा था ना आदर्श विलयन की बात, हमने पढ़ा अनादर्श विलयन, उसमें पढ़े तुमने दो प्रकार के अनादर्श, एक क्वथनात्मक मिश्रण दर्शाने वाले एक बिना ठीक है। ऐसे ये बेटा जो स्थिर बांध की मतलब जो एक ही ताप को लेके वो तो कहलाएगी स्थिर बांध, अब जो उस ताप में नहीं उबलेंगे वो दो प्रकार के होंगे, या तो उद्गम ताप में उबलेंगे या फिर कुछ ज्यादा उबलेंगे। तो मैंने इस तरीके से दो भागों में बांट दिया, निम्नतम निम्नतम स्थिर क्वांति और अधिकतम स्थिर क्वांति या उच्चतम। तो निम्नतम का मतलब जो निम्न ताप में उबलेंगे, अधिकतम का मतलब जो अधिकतम ताप में उबलेंगे। अब तुम खुद मुझे दिमाग लगा के बताओ ये निम्नतम क्वथनांकी वाले मिश्रण धनात्मक विचलन वाले होंगे कि ऋणात्मक विचलन वाले होंगे? क्यों धनात्मक वाले होंगे? धनात्मक वाले होंगे, निम्नतम वाले ऋणात्मक होंगे। सोच के बताओ महिमा, निम्नतम ही किताब में मत लिखो, महिमा कह रही है नेगेटिव वाले होंगे। तुम दिमाग लगा लेते ना, तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं होती कभी, तुम बुक से ही पढ़ लेते। अरे गदोन न्यूनतम का मतलब होता है कम ताप में उबल गए, समझ में आ रही बात? कम ताप के ऊपर कौन उबलेगा, जिसका बंद कैसा होगा, सफल होगा। मैंने तुम्हें कई बार ये बात बताई कि बेटा गलनांक उसी का ज्यादा होता है, बताया था। एक तो ये बोर्ड है और एक ये मार्कर है, दोनों को गर्म करो ज्यादा तापमान बोर्ड में चलिएगा। जब कणों की संख्या ज्यादा होगी या बंद प्रबल होगा उसको टूटने में उतना ही समय लगेगा। समझ में आ रही है ना बात ढंग से? अब इस अधिकतम वाले में तुम्हें याद है कि AB का जो बंद अपन ने पढ़ा था वो AB का बंद कैसा था, उपल का। आई याद, AB की अंतःक्रिया AA और BB की तुलना में क्या होती है, धनात्मक में कम। अब जब बंद दुर्बल होगा तो वो निम्न ताप के ऊपर ही क्या हो जाएंगे, उबल जाएंगे, क्योंकि अलग अलग हो जाएंगे। AB का बंद कमजोर है तो अलग अलग हो जाएंगे और अलग होते उबल जाएंगे। इसीलिए निम्नतम स्तर पानी मिश्रण ध्यान से सुनो राउत के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते। आ गई जब बात समझ में, तुम दर्शन से काम पता चल गया, क्योंकि निम्नतम स्थिर पानी मतलब कम ताप में उबल जाएंगे और धनात्मक विचलन में बंद दुर्बल होता है और बंद दुर्बल होता है यदि कैसे आसानी से उबल जाएंगे। अब आ जाओ इसमें अधिकतम स्तर पानी मतलब उच्च ताप के ऊपर जाके उबलेंगे, कारण कि AB का जो बंद होता है वो A और BB की तुलना में क्या होता है, ऋणात्मक विचलन में प्रबल होता है। समझ में आ गया, बंद प्रबल होगा तो उसको भी उचित होने में उतना ही अधिक समय लगेगा। इसीलिए अधिकतम जो स्थिर बांधनी मिश्रण है या उच्चतम जो स्थिर बांधनी मिश्रण है वो राउत के नियम से कौन सा विचलन दर्शाएंगे, ऋणात्मक। समझ में आ गई ना बात, ऋणात्मक विचलन दर्शाएंगे धनात्मक। पढ़ो अपने बुक में बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में, पेज नंबर 32 में देखो, ये वाष्पदाबी वाष्पदाबी पढ़ने की जरूरत नहीं है, निम्नतम स्थिर क्वांति को समझो। अधिकतम वाष्पदाबी का मतलब होता है जिसकी वाष्प क्या होगी, ज्यादा होगी, भाई जो जल्दी उबल जाएगा उसी की वाष्प ज्यादा बनेगी। समझ, इसीलिए इसमें लिखा हुआ है अधिकतम वाष्पदाबी एवं न्यूनतम स्थिर क्वांति मिश्रण न्यूनतम क्वथनांक, और उसके अंदर देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है उच्चतम क्वथनांक। इसमें एक लाइन लिखी हुई दिख रही होगी, यह है धनात्मक विचलन वाला अनादर्श। पता चल गया क्यों है धनात्मक विचलन वाला अनादर्श, ये वाला पता चला कि इसका बंद कैसा होता है, दुर्बल। नहीं पता ना, किताब में लिख लो यहाँ बंद दुर्बल होने के कारण, इसका बंद प्रबल होने के कारण। समझ गए ठीक है, ये बेटा अपने कंप्लीट हो गया स्थिर क्वांति मिश्रण का टॉपिक। बोलो आया नहीं आया महिमा, पढ़ती रही आज तक तभी तो दिमाग नहीं लगाती है। अरे मैं क्लास नहीं ले रहा क्या आजकल, ये बहुत दिनों से एब्सेंट चल रहा है, क्या बात है, नहीं ले रहा ये क्लास, इसका नाम ही नहीं है पूरी लिस्ट में।
ठीक है आ गई क्या बेटा बात समझ में? तुरंत बोल दिया करो, टॉपिक खत्म होने के बाद भी यस और नो में आंसर दिया करो, बोलो स्थिरवादी मिश्रण की बात आई नहीं है समझ में? आ गई क्या सभी को? मनीषा आ गई बात समझ में? ठीक है अब नेक्स्ट देखो, अब हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक है अणुसंख्यक गुणधर्म। चार प्रकार के हैं भाई अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म ये बात में मुझे जहां पे नाम ले लो उसी से पता चल दीजिए बात। वे पदार्थ जिनका गुण इधर देखो नाम से पता चल रहा है, जिनके गुण बेटा किस पे निर्भर करते हैं? अणुओं की संख्या पर निर्भर। ऐसे पदार्थ जिनके गुण जिनकी प्रकृति अणुओं की संख्या पे निर्भर करती है उसे अपन अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। समझ में आ रही बात अच्छे से? अणुसंख्यक गुणधर्म में चार प्रकार के होते हैं। पहला वाष्प पदार्थ का आपेक्षिक अवनमन, दूसरा क्वथनांक उन्नयन, तीसरा द्रव्यमान में अवनमन और चौथा और लास्ट परासरण दाब। समझ में आ रही बात? तो ध्यान दे एक टॉपिक इसमें पूरा डेरिवेशन है मैं नहीं कर रहा। तो सबसे पहले फर्स्ट आता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अणुओं की संख्या का मतलब समझते हो क्या? अपने जो डेरिवेशन निकालेंगे उसके अंदर अणुओं की संख्या आनी चाहिए। अणुओं की संख्या मतलब मोलों की संख्या हो सकती है, एम हो सकता है, समझ में आ रही बात? एम मतलब द्रव्यमान हो सकता है, मोलर द्रव्यमान हो सकता है, ऐसी चीजें आनी चाहिए जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है, मोल संख्या पर निर्भर। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, अवनमन शब्द का मतलब क्या होता है हिंदी में? क्या होता है अवनमन? अवनमन का मतलब होता है गिरावट या कमी। लिख ले ये चीज चाहिए, कमी जब हो जाती है ना किसी चीज में उसको अवनमन बोलते हैं हिंदी में। समझ में आ रही है बात? ये कह रहा है वाष्प दाब में कमी हो गई, अवनमन हो गया। समझो बेटा किसके वाष्प दाब में कमी हो गई? कहां तुमने ऐसी बात पढ़ी? मैंने आपको पहले भी बताया था, याद करो जब मैंने आपको राहुल का नियम पढ़ाया था, किसके लिए पढ़ाया था? राहुल वाष्पशील के लिए नहीं, अवाष्पशील के लिए। अवाष्पशील विलय के लिए राहुल का नियम करवाया था तुमने डेरिवेशन, उसमें तुमने एक चीज देखी अवाष्पशील विलय युक्त यौगिकों के लिए राहुल का नियम। ध्यान दो अवाष्पशील का मतलब आया दोबारा आपने, ए तो मैंने किसको मान लिया? विलय को। समझ रहे हैं ये विलय मेरा कौन सा विलय है? ये अवाष्पशील विलय। अवाष्पशील विलय का मतलब समझते हैं इसकी वाष्प नहीं बनेगी। समझ गए? वाष्प नहीं बनेगी तो बताओ इसने जो बेल जार के ढक्कन पे यहाँ इस बेल जार पे जो दाब लगाया आपके लिए उसका मान कितना होगा? जीरो। अरे जब वाष्प ही नहीं बनी तो वाष्प दाब कहाँ से लगाएगा? बी मैंने किसको मान रखा है? विलायक को। अब ध्यान दें वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन थोड़ी क्या लिखोगे इसमें? ध्यान से सुनो कान में। राउल के नियमानुसार जब एक अवाष्पशील विलय को शुद्ध विलायक में घोला जाता है तो विलयन के वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब मतलब क्या होता है? विलयन का वाष्प दाब होगा विलय प्लस विलायक के वाष्प दाब के बराबर, क्योंकि विलयन को विलय और विलायक को मिलाने से बनता है। तो विलयन के कुल वाष्प दाब में क्या आ जाएगी बेटा? कमी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये तो जीरो हो गया, ये तो कम हो गया, अपने आप ही विलायक के बराबर हो गया, नहीं तो कभी किसी जमाने में विलय और विलायक दोनों के योग से बनता। अब एक जीरो हो गया तो इसके वाष्प दाब में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। समझ में आ गई ना बात? इसी को अपन वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो समझ में पड़ी बात? किसके अंदर आ गई कमी? विलयन के वाष्प दाब में कमी आ गई। बात ध्यान रखे कि किसका वाष्प दाब घटा? विलयन का घटा। दोबारा सुन ले, थ्योरी हो सकता है तुम्हें किताब में मुश्किल लगे, इसलिए जो शब्द मैं बोल रही हूँ ना लिख लिया करो कॉपी के अंदर, धीरे धीरे बोल दूंगी आराम से। परीक्षा में पूछेगा वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन किसे कहते हैं, तो तुम लिखोगे राउल्ट के नियमानुसार। लिख लो, चाहे ये चीज इसमें हार्ड लगे तो तुम्हें
लिख लो और आप कॉपी में सभी निकाल के बैठे अपनी कॉपी सुनते रहते हैं मावड़ों की तरह। राउल के नियमानुसार जब एक आवाशशील विलय हो, राउल के नियमानुसार और याद रखना इसको, जब एक आवाशशील विलय हो शुद्ध विलायक में, जब एक आवाशशील विलय हो शुद्ध विलायक में बोला जाता है तो बोला जाता है तो विलयक के वाष्प दाब में कमी आ जाती है, तो विलयक के वाष्प दाब में कमी आ जाती है जिसे वाष्प दाब का आपेक्षिक अपनमन कहते हैं, जिसे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। ये देखो, ये है बस ग्राफ, देखो ग्राफ क्या है, चित्र देखो इस तरीके से बना दे, और ये देखो पीए तो जीरो हो गया, तो पीएस किसके बराबर हो गया, पीबी। अब पीबी का मान तो क्या है, ये पीबी कौन बताएगा, पीबी पीबी बराबर होता है पीबी नॉट XP, बिल्कुल सही। और XP बराबर क्या होता है, 1 माइनस XA, समझ गए। तो PS बराबर हो गया PB नॉट 1 माइनस XA, समझ गए। PS बराबर खोल लो ब्रैकेट को, PB नॉट माइनस XA, कोई दिक्कत है, इसको बराबर के इधर ले आओ, उसको बराबर के उधर भेज दो, ये देखो माइनस का है बराबर के इधर आते किसका हो जाएगा, प्लस का बराबर, ये रहा पीबी नॉट, ये प्लस का है किसका हो जाएगा, माइनस का पीएस। कोई दिक्कत है क्या इसमें, तो एक्स ए बराबर होता जाता है तो फिर क्या आएगा, तो एक्स ए बराबर हो जाएगा पीबी नॉट माइनस पीएस बटा पीबी नॉट। यहाँ तक तो तुमने पहले भी किया था वाष्पशील वाले में, थोड़ी देर दे दीजिए, अब इसको आगे करेंगे, आगे तुम जब एक्स ए का मान रखो, आगे इतना कर लोगे कि तुम अपने आप को के अंदर दोबारा करना, तो आवाशशील वाली ये जो डेरिवेशन पूछे ना, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन किसे कहते हैं, इसको मुझे करना है यहां से, के वाष्प अपेक्षित अवनमन का मतलब होता है वाष्पशील विलय मिलाते हैं ना, तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, ठीक है, ये पूरा करना। उसके बाद देखो इसको आगे कैसे करोगे, ध्यान दो, अब वो तुम्हें डायरेक्ट यहाँ से क्या हुआ है देख रहे हैं भाई, ये स्पीड क्या हुआ है, तुमने सादा भाग पहले कर दिया इसने, समझ रहे हैं, तो आप देखो ध्यान दो, x यहाँ से क्या हुआ है सब, क्योंकि इसका लेकिन तुम्हें एग्जाम में यहाँ से नहीं करना है, तुम्हें शुरू से ही करना है, क्योंकि ये पहले कर दिया है इसने, इसलिए दोबारा ये डायरेक्ट लिख दिया, डायरेक्ट नहीं लिखना है एग्जाम में। हाँ भाई, अब एक्स ए का मान लिख लो, क्या मान होता है सर एक्स ए का, एक्स ए बराबर, अच्छा वन माइनस एक्स पी नहीं, एक्स ए बराबर बताया था मैंने मोलों की संख्या एन ए बटा एन ए प्लस एन बी। अरे मोल भी कैसे निकालते हैं, जिस विलय के तो मोल भी ले रहे हो, मोल भी मतलब मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या, ठीक है, बराबर में आ जाएगा पी बी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पीबी नॉट, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो मैंने कहा था ना कौन सा गुणधर्म पढ़ रहे हैं, अणु संख्या गुणधर्म, ये देखो अणुओं की संख्या पे निर्भर करने लग गए, एन आ गया, ठीक है, मोलों की संख्या अभी पूरा नहीं हुआ। ये देखो ये ए तो क्या था, विलय, और बी क्या था, विलय, मुझे पता है विलय की मात्रा किसी भी विलयन में विलायक की तुलना में बहुत ही क्या होती है, कम, समझ में आ रही, अरे एक चम्मच चीनी और एक गिलास पानी लिया, बताओ चीनी की मात्रा उस पानी की तुलना में बिल्कुल क्या है, नगण्य, समझ में आ रही बात, तो इसलिए अपन इस एन ऊपर वाले को नहीं, ऊपर वाला तो शुद्ध अवस्था में इसमें थोड़ी विलायक मिला हुआ, इसको अपन क्या कर सकते हैं, नगण्य कर सकते, समझ में आ रही बात, तो तुम ये बात लिखोगे कि एन ए वेरी 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 लेस देन एन बी, एन ए
एन बी की तुलना में बहुत कम मात्रा में होता है, इसीलिए इस एन ए को अपन जीरो मान सकते हैं, हटा सकते हैं। तो हटाते आ जाएगा एन ए बटा एन बी बराबर में हो गया पी बी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी बी नॉट। अब ध्यान दो एन कैसे निकालते हैं, मोल संख्या द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। जैसे मैंने तेरे को कह दिया 16 ग्राम मैथेन के लिए मोलों की संख्या बता, कैसे निकालेंगे 16 ग्राम मैथेन की। 16 ग्राम तो हो गया इसका द्रव्यमान और इसका मोलर द्रव्यमान कितना होगा, कार्बन का कितना होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का होता है 8, वहां पे कितने ऐड किए 4, 12 और 4 कितना हो गया 16, तो द्रव्यमान 16 बटा मोलर द्रव्यमान 16 काटोगे तो आ जाएगा 1 मोल। समझ में आ गई बात, 1 मोल। मोलों की संख्या 16 ग्राम मैथेन में कितनी है 1 मोल, ठीक है। ऐसे निकाल किसी का भी दे द्रव्यमान देगा कि 2 ग्राम मैथेन में दे दिया कुछ भी दे दिया, द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, ठीक है। ध्यान दो जैसे मान लो मैं कह दूं 2 ग्राम मैथेन हुआ है इसमें मोलों की संख्या निकालिए, तो तुम कैसे निकालोगे, 2 दो तो इसका क्या है द्रव्यमान है, इसका मोलर द्रव्यमान सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, टोटल मोल कितने हो गए 23 16 39 हो गए 40, तो 2 बटा 40 कर दो, समझ में आ गया 1 बटा 20 हो गए, तो 1 बटा 20 हो गए इसकी मोलों की संख्या। तो अब देखो द्रव्यमान को वैसे अपन स्मॉल एम से लिखते हैं और मोलर द्रव्यमान को कैपिटल एम। अब बेटा कई जगह बच्चे क्या मिस्टेक कर देते हैं, स्मॉल एम कैपिटल एम में एक जैसा ही लिख देते हैं, इसलिए उस चीज को हटाने के लिए तुम क्या करोगे, द्रव्यमान को भार, इंग्लिश में भार, हिंदी में भार तो कहते हैं द्रव्यमान, भार मतलब वेट, इसीलिए इसको अपन उससे भी कह सकते हैं डब्ल्यू, समझ गए, ताकि कंफ्यूजन रहे। तो इसका ऊपर वाले का निकालना, ए लगा हुआ है तो ए लगा देंगे, बी लगा हुआ है तो बी लगा देंगे, एम डी की जगह क्या लिख सकती हूँ डब्ल्यू ए बटा के अंदर एम डी, समझ गए। हाँ इसका लिखोगे तो क्या आएगा डब्ल्यू बी और बटा वाला कहाँ चला जाएगा ऊपर, गुणा के अंदर क्या आ जाएगा एम डी बराबर में आ गया तुम्हारे पी बी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी बी नॉट। आगे क्या बात है समझ में, देखो बाहर पे मोलर द्रव्यमान पे सब पे निर्भर करता है। अब किसी का भी निकालना चाहो प्रश्न आप इसमें न्यूमेरिकल जैसे कहते हैं विलायक का द्रव्यमान बताइए, पूछ ले कौन सा है विलायक का द्रव्यमान, ये है तो डब्ल्यू बी निकालना हो तो आराम से निकाल सकते हो यहाँ से। कैसे निकालोगे डब्ल्यू बी बराबर, बताओ यहाँ से डब्ल्यू बी बराबर क्या होगा, वज्र गुणा कर दो ये सारे गुणा हो जाएंगे और ये वाला कहाँ चला जाएगा गुणा में इधर चला जाएगा, सारे राशियां और ये हो जाएंगे गुणा, समझ में आ गई बात। कोई भी राशि हो जाए विलय का बच्चे विलय का निकालो यहाँ से विलय का, ठीक है। ये बेटा फर्स्ट टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गया, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। देखो अपने किताब में क्या बात तुम्हें नहीं समझ में आई, फटाफट पूछो डेरिवेशन, ये देख रहे हैं ना किताब में डायरेक्ट निकाल, किताब के अंदर ये सुने अपने यहाँ एक्स से आया ना ये ए, किताब में बी आ रहा है क्यों, क्योंकि उसने विलय को क्या माना था बी, अपन ने विलय को ए माना, समझ रहे हैं, इसलिए इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, इसी ध्यान को अपने यहाँ आया है उसके देख लो यहाँ विलय को करे है, ठीक है। तुरंत देखो जल्दी बुक में पूरा डेरिवेशन देखो, देखिए लास्ट तक की बात समझ में आ गई है, ये मैंने ऊपर वाली लाइन करवाई है, बाकी एम डी लिखा हुआ है ना मैंने तुम्हें बता दिया कैसे निकाले, तीनों वज्र गुणा कर लो जो भी पूछे ए को लिख लेंगे बाकी राशि बना लीजिए, ठीक है समझ गए। इसको वज्र गुणा कर लेंगे, ये देखो ये वज्र गुणा करके किसी एक का मान निकाल सकते हैं, एम डी बराबर लगा दोगे डब्ल्यू ए गुणा हो जाएगा पी बी और ये आ जाएगा ऊपर और ये गुणा वाली चीज चली जाएगी। हाँ भाई बोलो कोई प्रॉब्लम है क्या,
मैम एन ए वेरी वेरी लेस देन एन बी है तो एन ए बटा एन ए प्लस एन बी में ऊपर वाला एन ए, सुन ध्यान से महिमा, ऊपर वाला एन ए केवल विलय है, अपन ने इसको क्यों माना है वेरी वेरी लेस देन, क्योंकि विलय प्लस क्या है ये विलायक है, जब अपन विलय और विलायक दोनों को मिलाते, जब तुम्हारी एक चम्मच चीनी अलग से रखी हुई है ना, जब मैं नहीं कह सकती कि वो चीनी कम, जब उस चीनी को तुम किसमें बोलोगे पानी में, जब मैं कहूंगी अपन तुलना कर रहे हैं कि पानी की तुलना में चीनी की मात्रा बहुत कम, चीनी अलग से पड़ी हुई जब तुम किससे तुलना करोगे उससे, जब थोड़ी कह सकते हो ये कम है, समझ में आई बात, इसके अंदर तो ये शुद्ध है बिल्कुल मिला है, इसमें कुछ भी नहीं मिला हुआ, नीचे वाले में देखो विलय और विलायक दोनों, जब अपन कह सकते हैं कि इस विलय की मात्रा इस विलायक की तुलना में बहुत कम है, इसलिए अपन ने इस नीचे वाले को नगण्य माना है ऊपर वाले को नहीं, समझ गए क्या योगेश क्या पूछ रहा है, बी मान के करेंगे तो रॉन्ग थोड़ी है, कुछ भी रॉन्ग नहीं है बेटा योगेश, और ये चीज ध्यान रखना, बी मानेगा यदि तू बी विलय को मान रहा है उसे फिर उसको बी मान, जो अपन ने पहले वाले डेरिवेशन लिए ना वाष्प सिंह विलय के लिए राउंड का नियम है वाष्प, तो फिर उसके अंदर बी मान ले विलय, क्योंकि इस किताब में अपने में क्या है जो शुरू वाला डेरिवेशन है ना वाष्पशील वाला, उसमें तो इसने ए को विलय मान रखा है, फिर अवाष्पशील में इसने बी को मान लिया और आगे भी बी मान ए कर दिया, तो इसलिए इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जिस चीज को ए को मान रहे हो तो परीक्षा में लिखोगे कि ए विलय है, बी को माना है तो बी को मान के लिखोगे तो लिखोगे बी विलय, क्योंकि वो लिखे हुए के आधार पे कॉपी चेक करेगा, समझ में आ रही है बात ढंग से, ठीक है कि तुमने किसको माना है, इस चित्र के अंदर तुम दर्शाओगे कि मेरा ए विलय है कि बी विलय है, उसी से पता चल जाएगा, बाकी गलत कुछ भी नहीं है, डेरिवेशन आपके लिखे हुए के आधार पर, ओके समझ गए बेटा। अब बोलो डेरिवेशन देखो फटाफट पूछो, टाइम अपने पास बहुत कम है, 5 मिनट और है बस, है कोई दिक्कत, आ गया पूरा डेरिवेशन समझ में, ये वास्तव का अपेक्षित अवनमन, अब देखो एक लाइन लिखी है पेज नंबर 33 पे, देखो मैम दोबारा बता दो, मनोज को बात नहीं समझ में आई दोबारा दे, शुरू से देखो अवाष्पशील विलय के लिए ये वाष्पदाब का अपेक्षित अवनमन कैसे निकालना, पहले चित्र बना लेंगे और चित्र के अंदर मान लोगे क्या कि ए मेरे पास में है वाष्पशील विलय है जिसका वाष्पदाब पीए बराबर क्या हो गया जीरो, तो पीएस बराबर हो जाएगा क्या बेटा पीबी, और पीएस बराबर पीबी नॉट एक्सबी, एक्सबी की जगह लिख देंगे 1 माइनस एक्सए और ब्रैकेट खोल के हल करेगा पीबी नॉट समझ गया, अब क्या करना है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इस एक्स ए का मान रखना है, एक्स ए बराबर होता है एन ए बटा एन ए प्लस एन पी और बराबर में ये राशि आ जाएगी, अब एन यू एन बी में एन ए वेरी 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 लेस देन एन बी कर देंगे, समझ गए, और लेस करते ही एन ए हट जाएगा नीचे वाला, हमारे पास रह जाएगा एन ए बटा एन बी और बराबर के अंदर आ जाएगा पी बी नॉट माइनस पी एस अपॉन के अंदर पी बी नॉट, आगे का ढंग से समझ में, और अब इसका मान लिख दो डब्ल्यू ए बटा एम ए गुणा इसका आगे बात समझ में, कोई दिक्कत है कि बेटा किसी को नहीं है तो बस बता दो, फिर पास किसकी है ना मेरे को भी लाने दे, ठीक है देखिए उसने क्या मान लिया, क्योंकि कई है जो कदे एसपी से पढ़ते हैं गलत पढ़े, आ गया बेटा समझ में, मनोज बोल फटाफट, समझ में आने का मतलब ये होता है रफ कॉपी में किताबें बंद करके लिखना,
बिना देखे और फिर मैच करना किताब से तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा समझ में आया कि नहीं, ऐसे हाँ पढ़ने से कुछ नहीं होता है। बोल मनोज आएगी नहीं आई बात समझ में? ओके मैम का मतलब आई है कि नहीं आई? इसके न्यूमेरिकल भी देख लेना, एक उदाहरण दिया हुआ है पेज नंबर 33 के ऊपर, पढ़ लेंगे क्या? कोई दिक्कत है? दूसरा टॉपिक देखो, पंतनाम में उन्नयन। मैं एक बात समझाऊंगी, उन्नयन किसको कहते हैं? उन्नयन आवागमन का मतलब होता है कमी, उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। समझ में आई बात? लिख लो ये चीजें ताकि शब्दों का मतलब पता रहे। उन्नयन बेटा वृद्धि को बोलते हैं अपन, वृद्धि। समझ में आ रही है बात? अब सुनिए, सबसे पहले बताओ पंतनाम किसको कहते हैं? पंतनाम किसी भी द्रव के लिए, क्योंकि द्रव का ही होगा नहीं तो यानी कि ठोस डायरेक्ट जाकर के उपज जाएगा। किसी द्रव का वह बिंदु या वह तापमान का बिंदु जिसके ऊपर कोई पदार्थ उबलने लग जाता है, बताया था मैंने भी पंतनाम बिंदु किसको कहते हैं? तो वह ताप का बिंदु जिसके ऊपर कोई पदार्थ उबलने लग जाएगा उसको अपन पंतनाम बिंदु कहते हैं। अब ये इशारा किस ओर कर रहा है? ये कह रहा है पंतनाम में उन्नयन, मतलब पंतनाम में वृद्धि। समझ में आ रही है? अब किसके वृद्धि होगी वो सुनो, तुम दिमाग लगाओ तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। पेज नंबर देखो 33 के ऊपर एक ग्राफ दिख रहा है तुम्हें, वाष्प दाब और ताप के बीच में। ये ग्राफ किसी से पहले तुम्हें ग्राफ समझना पड़ेगा, ताप और इधर है वाष्प दाब। तुमने एक बार पढ़ी थी अभी कि जब किसी भी विलयन में, विलयन बनाया तुमने, जब किसी अवाष्प सी विलय को जिसकी वाष्प नहीं बनती उसको किसमें मिला दिया तुमने? शुद्ध विलायक में मिलाया जाता है। तो विलयन के वाष्प दाब में क्या आ जाती है बेटा? कमी आ जाती है। कमी आएगी मतलब विलयन वाले वाष्प दाब की लाइन कहाँ बनेगी? नीचे बनेगी, और विलायक वाले की कहाँ बनेगी? ऊपर। क्योंकि ये विलायक है जो शुद्ध अवस्था में है। तुम कहोगे मैडम बराबर ही तो होता है विलायक का विलयन का, तो पीएस बराबर की बेटा पीएस विलयन है, विलयन होता है विलय प्लस विलायक। अब एक को जीरो करने की वजह से वो विलायक के बराबर हो गया था, मतलब बराबर नहीं कि उसकी ऐसे ऊपर थी। इसीलिए अगर अपन शुद्ध की बात करें ना तो शुद्ध विलायक का वास्ता विलयन की तुलना में ज्यादा होगा। समझ में आ रही है बात ढंग से? तो ये देखो ये वास्ता और विलायक बनाई ना मैंने, विलयन की बनाई है नीचे। समझ में आ रही बात? क्यों बनाई है नीचे? क्योंकि विलयन के अंदर मैंने, विलयन बनाने के लिए मैंने क्या मिला दिया था इसमें? अवाष्पशील विलय मिलाया, जिससे इसके वाष्प दाब में कमी आ गई, जिसे तुमने वाष्प दाब का अपेक्षित वर्णन कहा। अब ध्यान से सुनो, वह बिंदु जिसके ऊपर, जिस तापमान के बिंदु पर दोनों का वाष्प दाब बराबर हो जाए। समझ में आ रही है बात? अब मैं मान लो एक पॉइंट यहां बना, देखो इस लाइन को मिला के देखना, ये देखो ये विलायक और इसी के ऊपर मैं क्या चाहती हूँ? विलयन भी आ जाए, वायुमंडलीय दाब के ऊपर दोनों का वाष्प दाब बराबर हो जाए। तुम नीचे मिला के देखो लाइन, तुमने नीचे मिला के देखी विलायक और इसी दाब के ऊपर बराबर हो जाएगा, परंतु विलयन को देखो इतना तापमान विलायक से क्या करना पड़ेगा? ज्यादा देना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ शून्य, यहाँ जीरो है, यहाँ 500 केल्विन है, यहाँ 1000 केल्विन है, और यहाँ पे मान लो 1500 केल्विन है, यहाँ पे कितना है? 2000 केल्विन है। अल्फा कोल्ड डिफरेंस देख लीजिए। अब तुम देखो ये विलायक को